चूरू में लगातार हुई बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। जहां पिछले 48 घंटे से बारिश के पानी की निकासी नहीं होने से आमजन परेशान है, वहीं जौहरी सागर एरिया टापू बन गया है। जब पानी की निकासी नहीं होने से लोगों ने नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी की और ज्ञापन दिया तो जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने बताया कि लगातार बारिश होने से इस तरह की समस्या आ रही है, पंप चालू है। समस्या के समाधान के लिए एडीएम और आयुक्त को जिम्मेदारी दी गई है। वार्ड नंबर 57 जो है बागलास के बीच सुभाष तो सफेद घंटा घर से लेकर जोहरी सागर दादा मंडी तक पिछले 4 दिनों से पानी भरा हुआ है, जिसकी कोई निकासी नहीं है। सारे प्रशासन हम उसको सुझाएंगे, नगर पालिका को सूचित कर दिया गया है, कुछ दिन प्रतिदिन हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। जिसके पास हम जाते हैं वो कहते हैं आप नगर पालिका कह दो, नगर पालिका पास हमें कहते हैं कलेक्टर साहब को दे दो, तो हमारा कोई निदान नहीं हो पा रहा है। और नगर पालिका द्वारा मोटर भी नहीं चलाई जा रही है और घर के आगे 3 फीट पानी है। बूढ़े माँ बाप हैं, उनको अगर बीमार बीमार हो तो ले जाने में दिक्कत होती है और खाने पीने का साधन नहीं लेके आ सकते। हम परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। और पूरे मोहल्ले में कोई भी आदमी किसी को भी अगर तकलीफ है तो वो बाहर नहीं जा सकता। इसलिए हमें ये चाहिए कलेक्टर साहब से निवेदन है कि आप तुरंत हमें नगर पालिका द्वारा पंप चला करके हमें निदान कराइए, ताकि हम आराम से खाना पीने का राशन ला सके, पूरे माँ बाप को दिखा सके, डॉक्टर को दवाई। कल भी परसों भी ट्रिप हो गई थी, रिप्लेस करते हैं पानी आ गया वापस आ गए, लेवल नहीं रही, तो मतलब हम पंप लगातार काम कर रहे हैं और एजेंट साहब और कमीशन मांग।